तीसरा सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। इस क्षेत्र में विशेष प्रकार की सेवाएं जैसे चिकित्सा, नर्सिंग, वकालत, अध्यापन आदि पेशेवरों द्वारा दी गई सेवाओं को शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त इनमें उन सेवाओं को भी सम्मिलित किया जाता है जो उत्पादन की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करती हैं, जैसे उत्पादों को बाजार तक ट्रैक्टर या ट्रक द्वारा पहुँचाना, व्यापारी द्वारा दूर दूर के बाजारों तक वस्तुओं को पहुँचाना, बैंकिंग सेवाएं देना तथा दूर संचार संबंधी सेवाएं प्रदान करना। सभी शासकीय सेवाएं भी इस क्षेत्र में सम्मिलित की जाती हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की गणना क्यों और कैसे? आज लोग विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं और बड़ी संख्या में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं। किसी भी राष्ट्र के कुल उत्पादन को जानने के लिए हमें राष्ट्र के सभी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन जानना आवश्यक होता है। आप सोचते होंगे कि हजारों वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना असंभव है और पेचीदा भी है। हम चाहें तो सभी वस्तुओं की एक सूची बना सकते हैं, परंतु सभी वस्तुओं की मात्रा की अगर गणना करना चाहें तो वह मुश्किल होगा, क्योंकि विभिन्न वस्तुओं व सेवाओं के मापन का पैमाना अलग अलग है। इस समस्या के समाधान के लिए हम मुद्रा रूपी मानदंड का प्रयोग करके वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग करेंगे। यदि 500 किलोग्राम शक्कर 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेची जाती है तो शक्कर का मूल्य 15,000 रुपये हुआ। 30 रुपये प्रति लीटर की दर से 100 लीटर दूध का मूल्य 3,000 रुपये हुआ। एक डॉक्टर द्वारा आँख के ऑपरेशन के लिए 5,000 रुपये प्रति ऑपरेशन की दर से 10 ऑपरेशन का मूल्य 50,000 रुपये हुआ।